मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 30वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई पर मंथन हुआ। सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सजा पुनरीक्षण परिषद के सदस्यों ने कैदियों की रिहाई पर अपनी बातें रखी। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 5 कनकनी कोलियरी में स्थापित जोड़िया नदी का अस्तित्व अब खतरे में है। नदी का जल स्तर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। नदी अब नदी नहीं होकर नाले में तब्दील हो चुकी है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। लोगों को नहाने के लिए 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। समस्या से परेशान होकर जोगता के ग्रामीणों ने जेएमएम नेता मुकेश गुप्ता की अगुवाई में नदी के किनारे बैठ कर एक दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से कहा कि जोड़िया नदी का अस्तित्व आज खतरे में है और इसका जिम्मेदार बीसीसीएल हिलटॉप पार्ट सोर्सिंग कंपनी सहित बागमारा की जनप्रतिनिधि है। ये बागमारा विधानसभा में आता है और इन 15 सालों में एक भी विकास का काम यहां नहीं हुआ। विधायक के द्वारा ये विधायक है, विधायक हम लोग जनता जाग चुके हैं, एक भी वोट हम लोग इधर से एक भी वोट नहीं देंगे। सूख गया है, जल नहीं है नदी में, जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार विधायक को भी मानते हैं, ये विशेषल प्रबंधन का इसको भी मानते हैं। हिल टॉप आ करके हम लोग की स्थिति इतना हम लोग को बेकार कर दिया, हम लोग का जीने खाने के लिए एकदम खत्म कर दिया स्थिति हम लोग का। कैसे काम चल रहा है? हम लोग जाते हैं किसी को घर में 2 डगचिक पानी के लिए मांगते हैं तो कहता है थोड़ा सा घर अंगना बोर दीजिए, थोड़ा सा झाड़ू लगा दीजिए तो पानी देंगे। इस तरह से हम लोग की स्थिति है। क्या मांग करते हैं? हम लोग यह बोलते हैं, यह मांग करते हैं कि जिस तरह था सिंदरा नदी था उसी तरह हम लोग का नदी चाहिए, या हम लोग का नदी नहीं इस तरह से देंगे तो इससे भी ज्यादा उल्लंघन कर सकते हैं। जोगता सिंदरा छठ घाट नदी का अस्तित्व पूरी तरह से खतरा में पड़ चुका है, जो कि आप देख रहे हैं। नदी के जगह नाला बन गया। आज परिस्थिति ये हो गया कि नदी के बीच में बैठकर धरना देना पड़ रहा है। इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेदार है सो बीसीसीएल प्रबंधन है पूरी तरह से, हमारे बागमारा विधायक। 10 जनवरी को हजारीबाग के बरकट्ठा स्थित सूर्यकुंड धाम में सूर्यकुंड उत्सव होने वाला था, जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम होना था। इसके साथ ही झारखंड के स्थानीय कलाकार मुकुंद नायक, सूरज ट्रायलॉन, रामगढ़ से शालिनी दुबे और हजारीबाग के कलाकारों का भी कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन बाहरी भाषा नहीं चल तो बाहरी कलाकार नहीं चल तो ट्रेन करने लगा, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से जिला प्रशासन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग जितने भी कार्यक्रम कर रहे थे सूर्यकुंड उत्सव साथ सम्मान समारोह, उसका प्रशासनिक नियमानुसार सब हम लोग काम कर रहे थे और सारा चीज़ बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। और दूसरी और एक चीज़ ये हुआ कि जब हम लोग को कुछ गाइडलाइंस मिला तो हम लोग बरकट्ठा में वहाँ के स्थानीय पत्रकार लोग के साथ में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कुछ असामाजिक तत्व के व्यक्ति लोग तरह तरह से यूट्यूब से, फेसबुक से, तरह तरह के कॉल्स से धमकी देने लगे, तो उससे कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन हुआ अंततः यही कि लोग बोलने ये भी लगे कि नहीं, हम जिस तरह से अक्षरा सिंह को भगाए थे उस तरह से यहाँ पर भी विरोध करेंगे, गाड़ियाँ जला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत तरह की बातें सामने हमारे बीच में आने लगी। अंततः अंतिम में ये हुआ कि जब हम वहाँ पे लास्ट स्टेज में जब हम लोग 4 तारीख को हम लोग 5 पैसे वगैरह बांटने के लिए हम लोग निकले, उसके बाद से हम लोग को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया गया लोगों का। फिर भी हम लोगों ने प्रयासरत रहे और 7 तारीख को लगभग टेंट्स का वहाँ सारा काम पहुँचना शुरू हो गया, गिरना सुबह तक काम भी चला, रात में भी लोग 15 आदमी जा करके काम भी किए। अंततः अंतिम में ये हुआ कि स्थानीय थाना प्रभारी भी वहाँ मौजूद थे काम के दौरान में, और फिर वो वहाँ से निकलते हैं और 1 घंटा बाद उनके पास कॉल आता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जनहित में आपसे कहा जा रहा है कि ज्वाइंट ऑर्डर लेकर के आप आइए, उसके बाद फिर जो है सो आगे का कार्यक्रम कीजिएगा। तो फिर हम लोग तत्कालीन तुरंत हम लोग उपायुक्त महोदय से आकर के मिले और स्थानीय विधायक जी भी आए और उनको ये बातें से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें क्या करना है नहीं करना है। उसमें फिर मंत्री जी लोगों का रिकमेंडेशन चाहिए होता, फिर मंत्री जी के पास भी गए हम,
तो तब तक ये इस प्रोसेस में कम से कम 3-4-5 दिन 7 दिन का टाइम लग जाता, कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे। तो मंत्री जी फिर स्थानीय विधायक जी से बात करके बोले कि आप इसको समय को आगे पीछे करके कार्यक्रम को कराइए। तो कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ है, कार्यक्रम होगा, 100% होगा, आप लोग भरोसा रखिए और गलत फहमी और अफवाहों में ना उड़े। हम लोग इसमें प्रयासरत में हैं और कार्यक्रम 2000 घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।